स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं, ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कंपटीटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हों या ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कंपटीटिव एग्ज़ाम देना चाहते हों जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप 1,00,000 क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसमें हम यही आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है। अभी हमने मोशन कंप्लीट किया है, मोशन और मोशन का टाइप हमने हो गया है। तो अगला टॉपिक क्या है कि आपने देखा होगा कि हम यूनिफॉर्म ग्राफ बना रहे थे, तो उसमें एक एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को ले रखा था और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रखा था। तो वाई डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसमें हम दोनों चीज रख सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होती है वो हम आप डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इट इज व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर देन द पाथ लेंथ path length between two points two point is known as distance। मतलब कि अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो उसके बीच का जो पाथ होगी, जितना पाथ उस बॉडी ने कवर किया है, वो कहेंगे हम कि उसका डिस्टेंस है। ठीक, जैसे कि हम लेते हैं कि ये रोड है, ये आपका घर है, आप घर से निकले, यहां चौराहा है, और आप यहां से आके यहां आ गए। आप घर से निकले, ये कितना है मान लीजिए, ये कितना है 10 मीटर और ये 5 मीटर। तो आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की कि आप 10 मीटर इधर गए और 5 मीटर इधर गए, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, 15 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है कि आप कितना आप मूव कर रहे हो, ये आपका डिस्टेंस दिखाता है कि आपने कितना लेंथ जो है ट्रेवल किया है। डिस्टेंस की एक बात ये भी है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंस क्या होती है, आपने देखा कि आप निकले किसी दिशा में और कितना अपना पाथ ट्रेवल किया, आपने 10 मीटर इधर गए प्लस 5 मीटर इधर गए, तो आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितना ट्रेवल की, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गई, 15 मीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक, यहाँ एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे हमें ये नहीं बताया जा रहा है, या ये हम नहीं मान रहे हैं कि आप घर से किस दिशा में गए, किस साइड में गए, घर के आगे गए, पीछे गए, किधर गए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस आप घर के बाहर निकले और चलना शुरू कर दिए, किधर भी जा रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है कि डिस्टेंस है, आपने कितना अपने घर से निकल कितना पाथ ट्रेवल किया। दूसरी चीज, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। डिस्टेंस क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस में उस साइड को नहीं जोड़ते कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझ गए ना आप, कि डायरेक्शन हम नहीं जोड़ रहे कि किधर भी डायरेक्शन, डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। क्योंकि आप किधर भी जा सकते हैं, किधर भी हो सकता है, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। दूसरा टॉपिक क्या है इसमें, जैसा आपने देखा कि डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका हमने जो सिंबल फिजिक्स में यूज करेंगे रिप्रेजेंटेशन का, डिस्टेंस की रिप्रेजेंटेशन का, वो क्या रहेगा, यस, ये जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट जो स्मॉलर यूनिट है वो मीटर है,
डिस्टेंस की स्मॉलर यूनिट है मीटर है, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे भी स्मॉलर यूनिट है वो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ठीक है, तो डिस्टेंस की यूनिट है। और जो लार्जर यूनिट है वो क्या है, किलोमीटर, ये भी डिस्टेंस की यूनिट है। और भी इससे भी लार्ज यूनिट है जो लाइट ईयर हो गया या हो गया जो भी है, ये भी इससे लार्ज यूनिट है, लेकिन इसका जो हम नॉर्मली यूज करते हैं मीटर, जिसकी एसआई यूनिट हो गई। दूसरी चीज आपको ये बता चुका हूँ पहले कि जो डिस्टेंस होगा वो तो हमेशा और हमेशा ये पॉजिटिव भी होगा, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। चलिए इसमें हम आप एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये है ऑब्जेक्ट मूव इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन 10 मीटर एंड टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 मीटर। What is the distance from ऐसे समझे कि एक ऑब्जेक्ट है पहले तो जो कि इस दिशा में जा रहा है ठीक, उसने फिर लेफ्ट टर्न ले लिया। आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंच गए तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये हमें बताना है। तो क्या हुआ कि डिस्टेंस क्या होगी, पहले ये 10 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस आपका एक, चलिए ये न्यूमेरिकल लेते हैं कि आपका एक मित्र यहाँ खड़ा है, आप जो है पार्क में है, पार्क का आपने एक साइड ऐसे पकड़ा, पार्क कर गए और पार्क के लास्ट से आपने मुड़ गए और 5 मीटर इधर गए, 3 मीटर आप काट दीजिए। ये डिस्टेंस पे हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो जाए। तो पहला ये है कि मान लीजिए आप एक पार्क है, यहाँ पे ये पार्क है, आप अपने मित्र के साथ घूमने गए, इस पार्क की ये लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर, आपका मित्र कहाँ है, यहाँ खड़ा है, आप आते यहाँ खड़े, अब ये बताना है कि आप और आपके मित्र के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो क्या होगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू चाहे आप इधर से आए चाहे इधर से आए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आप दोनों के बीच में, सॉरी इसको हम नाम दे देते हैं पोजीशन वन और ये जो है पोजीशन टू है। पोजीशन वन और पोजीशन टू के बीच में जो डिस्टेंस क्या होगी, 10 + 10 इक्वल टू 20 मीटर ठीक। चलिए सेम जो है ये लेते हैं, यहाँ पे तो ये रेक्टेंगल वो था स्क्वायर था, नया हम लेंगे कि एक सर्किल है, मान लीजिए आप सर्किल ग्राउंड में दौड़ने गए हैं और ये एक कंप्लीट सर्किल है, इसमें जो है इस क्वेश्चन में हम एक कुछ और बना सकते हैं कि मान लीजिए आप मित्र यहाँ है, आप यहाँ से आप गए यहाँ से पूरा, आपने फिर से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर से आप वापस आके आप यही पोजिशन पे आ गए ठीक। अब क्या होगा आपके टोटल डिस्टेंस, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू आप इतना ट्रेवल किए फिर इधर आए फिर इधर आए फिर इधर आए, तो अब आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर और प्लस 10 मीटर ठीक। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 मीटर। ये क्या है आपकी डिस्टेंस है, आपने ये पार्ट कंप्लीट किया ठीक। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं,
जी आपने दौड़ना शुरू किया यहाँ से, फिर आप एक चक्कर लगाए, ये एक सर्किल है जो कि अब सर्किल दिख नहीं रहा है लेकिन ये सर्किल ही है, लगभग दिखने लगा है कि ये सर्किल पे आप यहाँ पे हैं पोजीशन वन, और आपने चलना शुरू किया एक राउंड लगा दिए। इस सर्किल कैसा है, इस सर्किल का रेडियस जो है वो 7 मीटर का रेडियस है। अब आप यहाँ पोजीशन वन भी है, यहाँ से आपने शुरू किया और फिर आके यहीं पे आप रुक गए। अब आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, जब बात सर्किल की आएगी तो जो सर्किल में हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्योंकि हम सर्किल के हमेशा सरगम फ्रेंस पे मूव कर रहे हैं कि जो उसका सरगम फ्रेंस होगा वही हम डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय एथलीट इज इक्वल टू सरगम फ्रेंस ऑफ ए सर्किल, सरगम फ्रेंस ऑफ ए सर्किल, ठीक। अब सर्किल का सरगम फ्रेंस कितना होगा, 2πr, ठीक। तो 2 × π की वैल्यू क्या है, 22/7, इंटू आर की वैल्यू क्या है भाई, आर हमने रेडियस कितना माना है 7, तो हमको मिल गया 44 मीटर, ये कैंसिल हो गया, 44 मीटर आपने एक राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल की है। चलिए अगर इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा एग्जामिनर घुमाना चाहेगा वो कहेगा कि आपकी पहली पोजीशन ये है, इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा करते हैं, बार बार सर्किल नहीं बन रहा है ये सर्किल ही है, आप यहाँ से चलना शुरू किए, सर्किल का रेडियस सेम है 7 मीटर, आप यहाँ से शुरू किए और बिल्कुल हाफ सर्किल कंप्लीट करके आके यही रुक गए, आपका मन दौड़ने का नहीं है आज, आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, आपने केवल हाफ सर्किल कंप्लीट किया है, एग्जैक्ट हाफ सर्किल, ठीक। अब आपको बताना है कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एग्जैक्ट हाफ सर्किल आपने कंप्लीट किया है, आपको यह बताना है कि आपने कितना डिस्टेंस अपने पॉइंट से ट्रेवल किया है, ठीक। तो इसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, फिर से देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, और जरा आप ये देख रहे होंगे कि इसने क्योंकि हाफ इसने सर्कमफेरेंस का कवर किया इसलिए हमने सर्कमफेरेंस को क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। मतलब क्योंकि हाफ सर्किल है इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr डिवाइड बाई 2 कैंसिल, हमको πr मिल जाएगा, ठीक। पाई आर क्या हुआ, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 × 7 टन से हमको मिल गया 22 मीटर, ये क्या है भाई, ये है सर्कमफेरेंस ऑफ ए, सॉरी ये डिस्टेंस ट्रेवल की गई है व्हेन जब एथलीट जो है इतना ही मूव किया है, केवल हाफ सर्किल कंप्लीट किया है, ठीक। अगला इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जब एथलीट का भाई उसका मन है दौड़ने का, मन बिल्कुल भी ना हो रहा हो दौड़ने का, और उसने केवल 1/4 सर्किल जो है कंप्लीट किया हो, तो आप इससे खुद निकालेंगे कि तब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर मान लीजिए एथलीट यहाँ से चला और उसने इसके और सर्किल का क्वार्टर, जो एक क्वार्टर पार्ट होता है उतना ही कम्प्लीट किया है, तो अब आप इसको बताना होगा कि उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, ठीक। या उसने दो या सर ओके और अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे अभी हमने डिस्टेंस पढ़ा है तो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट लिखिए, सॉरी सेम सेम इसका डिस्प्लेसमेंट लिखिए, व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर देन डिस्टेंस बिटवीन देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप देखिए शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ
shortest path length between two point between रहेगा shortest path length between two point is known as displacement. समझ गए आप क्या है कि when a object move from one point to another then shortest path length between two point is known as displacement. मतलब कि फिर आप घर से निकले अपने ये आपका घर है आप घर से निकले और इधर गए यहां से आपने 10 मीटर ट्रेवल किया और यहां फिर से 10 मीटर ट्रेवल किया ठीक आप घर से यहां थे और आप यहां से यहां आ गए ठीक अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है मतलब उस डिस्प्लेसमेंट जो है इतना मिनिमम शॉर्टेस्ट रहेगा कि उससे बड़ा हो नहीं सकता वो रास्ता जो आपको सबसे कम पड़े यहां अगर आपको जाना है सबसे कम क्या रास्ता रहेगा कि अगर आप ऐसे जाओगे ये कम रहेगा कि ऐसे जाओगे ये कम रहेगा कि ऐसे जाओगे तो ये कम रहेगा आपके पास तीन चार रास्ते हैं तो आपने देखा कि ये रास्ता जो है ये वाला ये आपका हमेशा सबसे कम रहेगा आप यहां से सीधा हेलीकॉप्टर पकड़िए और सीधे आके इस पॉइंट पर उतरिए ये क्या है बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे समझ आ गया अगर हम ऐसे उठ ऐसे ऐसे घूम के जाते हैं ये क्या कर रहे हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर या कोई चीज से या कोई सीधा रास्ता जो हम पकड़ रहे हैं तीसरा रास्ता वो ट्रेवल करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है डिस्प्लेसमेंट ये क्या है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को भी हम जो है इसका सिंबल जो रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है डिस्प्लेसमेंट का वो सेम है जो डिस्टेंस का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमको हम सेम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक दूसरी चीज क्या है कि इसका इसकी यूनिट क्या है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी सेम है जो कि मीटर हो गया जैसे डिस्टेंस की यूनिट होगी वही डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर सेंटीमीटर ले सकते हैं छोटी यूनिट है बड़ी यूनिट में किलोमीटर ले सकते हैं ये सब क्या है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है ठीक अब हम आप आगे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की एक खास बात यह है जो कि उसको डिस्टेंस से अलग कर रही है कि डिस्प्लेसमेंट हमें ये पता है कि अभी इस जगह से इस जगह जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो यही होगा इसके अलावा तीसरा कोई पाथ नहीं है यह बात आपको समझ में आ रही है कि जो हम अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना चाहें तो हम जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा वो कौन सा पाथ है ये है इसके अलावा और कोई भी पाथ इस यहाँ तक ऐसा नहीं हो सकता है जो यहाँ से यहाँ तक को मिनिमम डिस्टेंस पे आपको पहुंचाए ठीक इसका एक मतलब ये निकला कि जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट फिक्स है डिस्प्लेसमेंट जो है वो फिक्स है हम डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमको 20 मीटर लग रहा है हम ऐसे भी जाएंगे तब भी 20 मीटर लगेगा हम थोड़ा सा ऐसे घूम के जाएंगे तब भी हमको उतना डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी ठीक तो डिस्टेंस फिक्स नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का यही रास्ता है और ये बिल्कुल फिक्स रास्ता है हम इतना ही हमको शॉर्टेस्ट पाथ जो है ये यही है एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फिक्स होता है वो एक ही हो सकता है एक पॉइंट के जाने के लिए तो इसका एक मतलब ये निकला कि डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इस डायरेक्शन के लिए एक ही होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन हमेशा बहुत ही माने रखते हैं समझ में आ गया डिस्टेंस क्या था कि हम किधर भी चले जा रहे थे लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि हमें अगर यहाँ का ये जो शॉर्टेस्ट पाथ इसका हमें निकालना है तो इसी दिशा में हम जाएंगे और इतना ही जाएंगे तभी हमको वो पड़ेगा अगर हम इसके अलावा कोई भी दिशा में गए कोई भी डायरेक्शन में गए तो वो हमें उचित नहीं रहेगा वो ठीक नहीं है ठीक तो आपको समझ में आ गया कि अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे और इतनी डिस्टेंस जाएंगे तो हमको ये जगह मिल जाएगी जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब क्या निकला कि डिस्प्लेसमेंट में दो चीज होती है
एक क्या है कि कितनी लेंथ जाएंगे, लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो लेंथ होगी लेंथ है डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में क्या है दो चीज है, एक लेंथ है और दूसरी क्या है डायरेक्शन है। डिस्टेंस में केवल डिस्टेंस थी, केवल लेंथ थी ना, यहाँ क्या है लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन है। ये बात बिल्कुल आप अपने ज्ञान चक्षु में डाल लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि डिस्टेंस के साथ हमेशा जो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, लेंथ क्या है डिस्टेंस ही है। तो डिस्प्लेस अगर हम डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। हमें लग रहा है आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात अगर आपने ये चीज नोटिस कर ली कि डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन बहुत ही माने रख रही है, ठीक है, तो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए भाई, या तो हम आप यहाँ से क्या है या तो आप यहाँ जा रहे हैं या तो यहाँ से या तो घर से यहाँ जा रहे हैं या तो वापस यहाँ से घर जा रहे हैं, दो चीज हो सकता है इस रास्ते पे। हमने अगर ये रखा ये शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर आपका मित्र यहाँ से यहाँ जा रहा है या आप यहाँ से यहाँ वापस आ रहे हो, आपका घर ये है आपके मित्र का घर ये है समझिए, ठीक, तो आप यहाँ से अपने मित्र के पास गए, तो अगर आप मित्र के पास जा रहे हो तो क्या कर रहे हो कि आपकी दिशा क्या है एक साइड में सीधे जा रहे हैं, या मित्र आपके पास आ रहा है तो वो क्या करेगा वो उसी रास्ते पर उल्टा चलेगा। समझ में आ रहा है ना आपको कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हमारा एक ही रास्ता है, आपका मित्र उसी से जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि भाई उधर जैसे देखते हैं ये रास्ता है आपका मित्र, ये आपका मित्र है, ये आप है समझिए, ये इधर आएगा या आप इधर जाएंगे, दो चीज हो सकती है। तो हमने इसमें इस चीज को अलग करने के लिए कि हमको कैसे पता चले कि कोई चीज हमारी तरफ आ रही है या कोई हमसे दूर जा रही है, कोई चीज हमारी तरफ आ रही है या कोई चीज कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है, इस चीज को हम कैसे बताएं फिजिक्स में, इसके लिए हमने साइन कन्वर्जन का सहारा लिया। साइन कन्वर्जन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका ये घर है ये आप है, अगर कोई वस्तु आपकी तरफ आ रही है तो आप इसको अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको आपने क्या लिया कि ये पॉजिटिव है, तो जो आपसे दूर जा रही होगी वो क्या रहेगी निगेटिव, ठीक। ये समझ लीजिए कि जो भी वस्तु आपकी तरफ आ रही है ये हमेशा पॉजिटिव होगी और जो भी आपसे दूर जा रही है ये निगेटिव होगी। हमने डिस्टेंस में साइन नहीं लिया था, डिस्टेंस में हमने आपसे कहा था कि वहां साइन की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उसमें हमें डायरेक्शन का कोई माने नहीं रखता है। यहाँ चूंकि डायरेक्शन जो है डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ साइन कन्वर्जन लिया कि अगर कोई भी वस्तु आपकी तरफ आएगी तो आप उसका क्या लोगे डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे, अगर वो आपसे दूर जा रही है तो आप उसका डायरेक्शन क्या लोगे निगेटिव लोगे। ये आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, कोई ये नहीं कि कंपलसरी है, लेकिन हमने एक अपनी सुविधा के लिए बना दिया कि अगर कोई भी वस्तु हमारे पास आएगी तो उसका प्लस लेंगे और अगर हमसे दूर जा रही होगी तो माइनस लेंगे। चलिए अब इस पे भी हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये हम डिस्प्लेसमेंट पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मैंने इसको लिखा है। मान लीजिए आप एक पार्क गए, पार्क में फिर गए, पहले भी गए थे, फिर पार्क में गए और घूमना शुरू किया, आप यहाँ खड़े हैं, आपका मित्र आया यहाँ खड़ा हो गया, ठीक। अब पार्क में रास्ता भी रहता है, लेकिन अब आपसे पूछा गया कि भाई आप और आपके मित्र के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो आप जो है जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो यहाँ से ये वाला रास्ता होगा। समझ में आ गया आपको, डिस्टेंस क्या थी ये थी कंप्लीट, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि भाई वो जो है शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ इन दोनों के बीच में कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है बिल्कुल नहीं, ये हो सकता है बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी नहीं, यही होगा जो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। आप अगर हम इसको निकालना चाहें तो हम पाइथागोरस से निकालते हैं कि एक हम एक साइड में मिली है टेन दूसरी भी मिली है टेन, इन दोनों का ये क्या होगा अंडर रूट 200, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट वन एंड पॉइंट टू कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पॉइंट वन पॉइंट टू के बीच में क्या है अंडर रूट 200, ठीक। चलिए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। दूसरा फिर हम आते हैं यहाँ पे,
मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू की, सेम पार्क में आपका मित्र चलना शुरू किया, दोनों चल रहे हैं और फिर से आके आप उसी पोजीशन पे आ गए, ठीक। फिर से हम जहाँ से शुरू किए थे, यही शुरू किए थे, आप यहीं पे आके फिर से खड़े हो गए और आप पूछ रहे हैं आपकी कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, पॉइंट वन भी यही है, पॉइंट टू भी यही है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, जीरो है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा दोनों पॉइंट के बीच में, वो कुछ नहीं रहेगा, ठीक। तो क्या हो गया भाई यहाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। जरा एक इसमें आपको थोड़ा सा बता दें कि आपको पता है कि जो हम साइड लेते हैं, इस तरफ हमें ईस्ट है डायरेक्शन, इस तरफ क्या है, इस तरफ ईस्ट रहेगा, इस तरफ वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ। जरा हम इस पे देखेंगे तो जो हमारी डायरेक्शन रहेगी कहाँ रहेगी, हमसे ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना मीटर है, किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में जो है डायरेक्शन बहुत मायने रखती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। हम यहाँ आते हैं, यहाँ तो सेम पोजिशन होगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये यहाँ क्या है, फिर से आप यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से चलना शुरू किए और एक राउंड लगा के फिर से यहाँ खड़े हो गए, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दोनों पॉइंट फिर भी सेम है, यहाँ पे यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो रहा है भाई, क्योंकि दोनों जो दोनों पोजीशन है उसके बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, कोई पाथ, कोई लेंथ है ही नहीं, कोई पाथ लेंथ है ही नहीं। हम दूसरा केस देखते हैं, आपने इसमें क्या था कि इसमें आप यहां से चलना शुरू किया और हाफ सर्किल कंप्लीट, हाफ सर्किल आपने कंप्लीट किया है, हाफ सर्किल जो है केवल आपने आप ट्रेवल कर पाए, हाफ सर्किल उतना ही चल पाए, उसके बाद आप रुक गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट था। फिर हम इसको फिर से बना देते हैं, आप मान लीजिए यहाँ खड़े थे, यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ आके रुक गए, ठीक, 7 मीटर है। तो अब आपने आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जरा आप सोचिए कि इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सी हो सकती है। अगर बिल्कुल हाफ सर्किल है तो आप सोचिए, आपसे पता चल गया होगा कि हाफ सर्किल क्या है, जो ये डिस्टेंस होगी बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस जो है सेंटर से होके आ रही है, और सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, ठीक। तो क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ सर्किल में, इसके डायमीटर के बराबर होगा, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, जिसका डायमीटर है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर के बराबर होगा, और डायमीटर कितना होता है, रेडियस इंटू टू, टू इंटू रेडियस, और रेडियस हमको पता है रेडियस कितनी है, 7 मीटर है, तो 2 × 7 इसका 14 मीटर। तो हमको इसका डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया, 14 मीटर। तो एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है जो आप देखेंगे, यहाँ एक क्वेश्चन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस क्या है, जरा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। आपको डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अगर हम आप जाओगे उसका डेफिनेशन में, वहाँ मुख्य चीज क्या है कि डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल एक्चुअल पाथ लेंथ, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, और जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। नंबर दो पॉइंट क्या रहेगा, डिस्टेंस क्या है, केवल इसमें हमको पता रहता है कि उस चीज का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब उसकी हमें लेंथ पता रहती है, लेंथ पता रहती है केवल हमें, और इसमें क्या रहता है कि हमको लेंथ के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी पता रहती है। इसमें हमें क्या पता है, केवल उसकी लेंथ, क्या लेंथ क्या मतलब मैग्नीट्यूड, उसकी एक वैल्यू जो है हमें पता रहेगी, यहाँ क्या पता रहेगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें पता रहती है, मैग्नीट्यूड के साथ प्लस में हमको डायरेक्शन भी पता रहती है, ठीक।
मैं जिस जिस भी क्वांटिटी का